कोलकाता के 34 सर्कस एवेन्यू में 2008 से एस्टैब्लिश लिटिल मिलेनियम स्कूल में काफी शानदार तरीके से मनाया गया चिल्ड्रन कार्निवल सफारी। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि लिटिल मिलेनियम स्कूल की काफी लंबी चेन है जो इंडिया के 150 शहरों में फैली हुई है और ये बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन से लेकर उन्हें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है। बहरहाल मॉडर्न सुविधाओं से लैस और अनुभवी शिक्षकों के साथ लिटिल मिलेनियम स्कूल बच्चों के विकास के लिए हमेशा से प्रेरित रहता है और इसी कड़ी में कोलकाता के सर्कस एवेन्यू में स्थित लिटिल मिलेनियम स्कूल ने मनाया चिल्ड्रन कार्निवल सफारी। लिटिल मिलेनियम का कैंपस बच्चों को काफी लुभा रहा है क्योंकि यहाँ का एम्बियंस और यहाँ के अरेंजमेंट्स पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनका बच्चा यहाँ कुछ सीख पाएगा। यहाँ एक्सपर्ट टीचर से लेकर बच्चों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। Hello, this is Ariba from LMCA and this is our school. As you can see, we have a playground here and the main advantage is we have a swimming pool as well for the children. हम लोग के वहाँ पे swimming pool है। अब आते हैं हमारे activity area में। Activity area में बहुत सारे toys हैं। हम लोग के स्कूल में एक ट्रैम्पोलिन भी है जहाँ पे बहुत सारे स्कूल में ट्रैम्पोलिन का एडवांटेज नहीं होता है। एंड ऑल आर रूम्स एंड क्लासेस आर ऑल एयर कंडीशन एंड नाउ वी आर हैविंग अ कार्निवल एट अ स्कूल एंड एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्टॉल्स नियर बाय एंड वी हैव अ बाया स्टॉल्स वी हैव किड्स टॉयज वी हैव ब्राउनी स्टॉल्स एंड लेट्स कम टू डिफरेंट गेम्स वी विल सी डिफरेंट गेम्स हियर। ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लासरूम। So as you can see, the infrastructure of our class is really very good. The lights are brilliant. Every day we have activities. Activities daily करवाते हैं हम लोग बच्चों से। Every day 3 to 4 activities हम लोग करवाते हैं। इससे बच्चों का क्या है ना, बच्चों का development होता है ताकि वो लोग higher schools में जाए तो उनको problem face ना करना पड़े। Writing skills में हम लोग focus करते हैं। Now as you can see, we have games as well in our classrooms. The classrooms are really very bright. As you can see, the carnival is going on and here are little kids enjoying themselves. Parents also enjoying. So ये है EW room जो basically जब बच्चे settle हो जाते हैं तो इस room में shift हो जाते हैं after 1 year and they settle down and here we do all the activities. We have different chart papers जिसमें activities रहता है। ये है हमारा एक game, ये है डार्ट द ऑब्जेक्ट। एज यू कैन सी द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग, द गिफ्ट्स आर ओवर बट स्टिल वी हैव ऑर्डर्ड मोर गिफ्ट्स। इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है स्कूल को, वी आर रियली वेरी हैप्पी टू एक्सपैंड आवर स्कूल। ओके सो वी आर हैविंग कार्निवल सफारी, द थीम इज कार्निवल सफारी, जंगल थीम है एंड वी हैव अराउंड अबव 80 स्टूडेंट्स स्टडिंग हियर। एज यू कैन सी द क्राउड ऑल ओवर, दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स एंड 80 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और हम एक एक बच्चों के लिए हम लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं उन लोगों का। टीचर्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, टीचर्स का बिहेवियर, चिल्ड्रन का बिहेवियर, मदर पेरेंट्स आल्सो वेरी कोऑपरेटिव हियर। हम चाहते हैं कि और बच्चे ऐसे एडमिशन हो हम लोग के स्कूल में और हमारा स्कूल जो है सर्कस एवेन्यू लिटिल मिलेनियम सर्कस एवेन्यू जो है और एक्सपैंड हो। मिलेनियम जो ये ब्रांड है ये आपको लाइक 2008 से एस्टैब्लिश है ऑल ओवर इंडिया एंड हमारा सर्कस एवेन्यू ब्रांड जो कोलकाता में है वो 2019 से रन हो रहा है एंड यहाँ पे और भी सेवरल ब्रांचेस हैं लिटिल मिलेनियम के एंड ये एक काफ़ी रिनाउंड प्री स्कूल ब्रांच है। एडमिशन अभी करेंटली ओपन है फॉर द न्यू सेशन, जो सेशन अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो पेरेंट्स डेफिनेटली आ सकते हैं, आकर चेक कर सकते हैं एंड एडमिशन के बच्चों को इनरोल करवा सकते हैं। एडमिशन फीस तो हमारा बहुत नॉमिनल है, हमारा जो एडमिशन चार्जेस है वो भी बहुत नॉमिनल है और हमारे एडमिशन चार्जेस में ही सब कुछ इंक्लूडेड होता है हमारा, ठीक है, हमारे बुक्स वगैरह एवरीथिंग, यूनिफॉर्म, बैग्स, जो भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होता है दैट ऑल वी प्रोवाइड। टाइम हमारा प्ले ग्रुप एंड नर्सरी का जो है, प्ले ग्रुप का जो टाइमिंग है वो 9:30 to 11:30 है और हाफ एन आवर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे क्लास इंक्रीज होता है वैसे वैसे हाफ एन आवर टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाता है हमारा। ये हमारा जो स्कूल है ये 3,000 square feet अराउंड अप्रॉक्सीमेटली हमारा 3,000 square feet है। हम लोग का 9:30 to 12:30, हम लोग का जो क्लासेस है वो प्ले ग्रुप से लेकर के किंडरगार्टन तक है। हमारे 4 क्लासेस है जिसमें प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, किंडरगार्टन KG RTF 1 एंड RTF 2 है हमारे।
हमारा करिकुलम ऐसा बेस्ड है जिसमें बच्चों को पूरे तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि वो खुद ही जाकर इंटरव्यू क्रैक करे और एडमिशन पाए। एंड हमारे लाइक प्रीवियस सेशन से लेके अब तक बहुत सारे बच्चों का अच्छे अच्छे रेपुटेटेड स्कूल्स में एडमिशन हुआ है कोलकाता के, लाइक सेंट जेवियर्स, डॉन बॉस्को, लामाट्स, प्राट मेमोरियल, सेंट जेम्स, लाइक देयर आर मेनी स्कूल्स, श्री शिक्षायतन, लोरेटो, इलियट रोड, धर्मतला, ऑल द ब्रांचेस ऑफ लोरेटो। तो सब में बच्चे खुद से एडमिशन क्रैक करते हैं। पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए मॉक इंटरव्यूज होता है। पेरेंट्स को भी हेल्प किया जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ कि किस तरह के सवाल उनसे पूछे जाएंगे जब वो इंटरव्यू फेस करेंगे अपने बच्चों के साथ फॉर्मल स्कूल्स में। 1.5 ईयर्स ऑनवर्ड्स एडमिशन स्टार्ट हो गए, लाइक 1.5 साल के बाद से बच्चे आ सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। बस ये कार्निवल हम लोग कराए हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स हम लोग से और जुड़े जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, और जो है एक स्टूडेंट्स हमारे हो चुके हैं, और ये ओपन टू ऑल है 2 to 12 ईयर्स तक के। तो और नए पेरेंट्स आए, नए जुड़े स्कूल को और समझें, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, फैसिलिटीज़ देखें, इसलिए हम ये करवाएँ। भरोसे पेरेंट्स आते हैं जिस एडमिशन कराने, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको स्कूल से आपको क्या मिलेगा इनपुट, तो हम लोग स्कूल दिखाते हैं पेरेंट्स लोग को, पेरेंट्स लोग को पसंद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारा है वहाँ पे आपका एसी क्लासरूम्स है, पूरा सेंट्रलाइज एसी है, स्विमिंग पूल है जो कि और कोई स्कूल में है नहीं, 24/7 सीसीटीवी सर्वेलेंस है, ट्रेन स्टाफ्स है, ट्रेन टीचर्स है जो कि 5-6 ईयर प्लस एक्सपीरियंस में है। तो वहीं से पेरेंट्स लोग को समझ में आ जाता है देख के इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल के, यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाइड है बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं अपने। उसके लिए भी हमारी मेडिकल टीम्स हैं, सब टीचर्स को हमने ट्रेन किया गया है मेडिकल इमरजेंसी के लिए, भी स्टाफ्स को भी ट्रेन किया गया है, हमारे फर्स्ट एड किट भी हैं, और सब चीज़ हमने मुहैया यहाँ पे रखे हुए हैं कि अगर कुछ भी इमरजेंसी होता है कि बगल से डॉक्टर्स भी हैं तो उनसे भी टाई अप करके अगर ऐसा कुछ होता है तो इमरजेंसी के लिए हम लोग सब ट्रेंड हैं। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ये आप टीचर से पूछ ले जो हमारे लिए मेहनत करती हैं इतने, और जो CLO वगैरह हैं जो पूरे टीम है, तो ये उन लोग के ऊपर है, तो उसी हिसाब से उन लोग करते हैं। दे आर वेल ट्रेन, दैट इज़ वाई दे आर इन टू दिस इंडस्ट्री। जी जी, 24/7 हम लोग का सर्वेलेंस रहता है, और वो वहाँ पे प्रिंसिपल के जो ऑफिस है वहाँ TV में भी है और उनके डेस्कटॉप में भी लगा रहता है, वो देखती रहती है 24/7, और बाकी आके विजिट करते रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमारे यहाँ पे जब से स्कूल खुला तब से हैं, और वो विदाउट एस्कॉर्ट कार्ड हम लोग किसी को परमिट नहीं करते कि बच्चे आके दे। अगर पेरेंट्स का कोई रिलेशनशिप भी आते हैं बोलते हैं कि हम फ़ोन में बात करवा दे रहे आपसे, तो हम लोग इसको एंटरटेन नहीं करते। विदाउट एस्कॉर्ट कार्ड हम लोग का परमिट नहीं है कि बच्चे को आप लेके जाइए। अगर ज़्यादा इमरजेंसी तो पेरेंट्स आते हैं, एस्कॉर्ट कार्ड जैसे लॉस्ट हो गया तो पेरेंट्स आते हैं, यहाँ लेटर देते हैं, लेटर के हिसाब से वेरिफिकेशन होता है, फिर उनको छोड़ा या हैंड ओवर दिया जाता है। व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि आए हमारे स्कूल में, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, देखें एक्टिविटीज़ हम लोग क्या करते हैं, देखें स्कूल का एनवायरनमेंट, देखें उसके बाद अगल बगल की स्कूल्स भी देख लें और कंपेयर करें, तो आपको बेटर हमारा लिटिल मिलेनियम सर्कस एवेन्यू ही लगेगा। सबसे पहले तो ये जो लिटिल मिलेनियम स्कूल है, ये मॉन्टेसरी स्कूल है जो बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों को डिसिप्लिन के साथ इंटरटेनमेंट और तरह तरह से एक्टिविटीज़ होता है यहाँ पे। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन करवाइए और फ्यूचर ब्राइट कीजिए, क्योंकि यहाँ से जब बेसिक कमज़ोर होगा तो बच्चों को पढ़ना मुश्किल है। इसलिए अगर अपना बेस को मजबूत करना है तो लिटिल मिलेनियम स्कूल में आए, यहाँ पर एडमिशन करवाएँ। यहाँ पर बहुत सारा आपको मतलब बच्चों को आगे बढ़ने का ये मिलेगा, प्लस साथ साथ हम लोग को भी इन लोग बहुत ये करते हैं, हर साल स्पोर्ट्स में हो और कार्निवल हो, समर कैंप हो, हर इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत कॉपरेट है, बहुत ज़्यादा सबको हम लोग को साथ देते हैं। तो आप लोग आएँ और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंप में और स्कूल में एडमिशन में सब में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हम भी यहाँ पे हैं तो आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही हैं। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, प्राइजेस जीत रहे हैं, तो और मोटिवेट हो रहे हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। जी हाँ, एग्जीबिशन भी लगा है, नई नई चीज़ें बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, हिजाब्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और भी सब आइटम्स हैं, टॉयज़ हैं, तो अच्छा है, अच्छा फंक्शन है। हाँ, मेरी बेटी पढ़ती है इसमें, पढ़ाई अच्छा है, पैटर्न और डिफरेंट है, अच्छा न्यू अपडेटेड पैटर्न है पढ़ाई का, अच्छा है, मुझे तो पसंद आया बहुत।